जिले में महिला अपराधों पर रोक नहीं लग पा रही है। स्कूल, कॉलेज, कार्यालयों के साथ साथ मासूम घर में भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन छेड़छाड़, दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। कई बार पीड़ित थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराती है तो कई बार अपनी लोक मर्यादा बचाने के लिए मामले थाने में नहीं पहुंचते हैं। खासकर बदनामी के डर से परिजन घटनाओं को दबा देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आरोपियों के हौसले बढ़ते हैं और फिर कहीं दूसरी जगह वारदात को अंजाम देते हैं। दरअसल ताजा मामला रीवा नगर निगम के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 का है, जहां सफाई कर्मी ने घर में घुसने का प्रयास किया और किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। बताया जाता है कि किशोरी की मां घर से बाहर थी, जबकि बच्ची को घर के अंदर के बाहर से चैनल गेट बंद था। सफाई कर्मी गेट के पास किशोरी को बुलाकर गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन किशोरी ने जब उसकी बात नहीं मानी तो गेट के अंदर हाथ डालकर अश्लील हरकत करने लगा, जिसके बाद किशोरी ने अपने पास रखी पेन से सफाई कर्मी के हाथ पर चोट पहुंचाई। अपने मंसूबे को पूरा ना होते देख आरोपी मौके से भाग निकला। पीड़िता की मां जब शाम को घर वापस आई तो किशोरी ने पूरी घटना अपने मां से बताई तो मां आसपास आरोपी की तलाश की, लेकिन आरोपी नहीं मिला। आरोपी दूसरे दिन सफाई करने उस स्थान पर पहुंचा तो आरोपी को देखकर मां आग बबूला हुई और सफाई कर्मी की जमकर चप्पलों से धुनाई कर दी। चप्पल से धुनाई होते देख आसपास के लोग एकत्र हो गए तो आरोपी और अन्य कर्मचारियों ने महिला का पैर पकड़कर माफी मांगा और भविष्य में इस तरह की घिनौनी हरकत ना करने की दुहाई दी। जिसके बाद सफाई दरोगा ने उक्त सफाई कर्मी विनोद को वार्ड 11 से दूसरे वार्ड में तैनात कर दिया है। सफाई कर्मी के घर में जाने और फिर बाहर निकलने के साथ साथ मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उक्त खबर दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि अगर आपके घर में मासूम बच्चियां हैं तो किसी भी इस तरह के अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। सावधान रहें, अकेले ना छोड़ें। माँ की सतर्कता के चलते बहुत बड़ी घटना टल गई, अन्यथा दरवाजा खुला होता तो दरिंदा कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। आपके आसपास रहने और घूमने वाले दरिंदे किसी भी रूप में मासूमों को अपना शिकार बना सकते हैं। हालांकि उक्त मामले की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन मोहल्ले में लगातार इस तरह की तीसरी घटना होने से चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है।